हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज विक्की चौधरी। आज हम आपको डेंगू मच्छर से काटने से क्या होता है, डेंगू बीमारी कैसे फैलती है, डेंगू मच्छर से होती है या डेंगू वायरस से होती है, इसके बारे में बताने वाले हैं। इससे कैसे बचा जा सके, यदि आपको इसकी जानकारी चाहिए तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। डेंगू जो होता है वो बरसात के दिनों में डेंगू का डर हर किसी को सताने लगता है। इस बुखार में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि मरीज अक्सर सामान्य बुखार को भी डेंगू समझने लगता है। ऐसे में लोग सामान्य बुखार के लिए भी महंगा इलाज होने के बाद भी अस्पतालों में दाखिल हो जाते हैं। डेंगू मादा एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। इन मच्छरों के शरीर पर चीते जैसे धारियां होती है। ये मच्छर दिन में खासकर सुबह काटते हैं। डेंगू बरसात के मौसम और उसके फौरन बाद के महीनों यानी जुलाई से अक्टूबर में सबसे ज़्यादा फैलता है। याद रखिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और डेंगू कब दिखाई देता है, यानी जो ये बीमारी है डेंगू की, वो कब दिखाई देती है? मच्छर के काटे जाने के करीब 35 दिनों के बाद मरीज में डेंगू बुखार के लक्षण दिखने लगते हैं। शरीर में बीमारी पनपने की बुनियाद 3 से 10 दिनों में भी हो सकती है। याद रखिए, अब इसके लिए क्या करना होगा बचने के लिए, अगर आप ब्लड टेस्ट कराएं, अगर तेज बुखार हो, जोड़ों में तेज दर्द हो या शरीर पर रेशेज हो तो पहले दिन ही डेंगू का टेस्ट करा लेना चाहिए। अगर लक्षण नहीं है पर तेज बुखार बना रहता है तो भी 1-2 दिनों में के इंतजार के बाद फिजिशियन के पास जरूर जाए। डेंगू की जांच के लिए शुरुआत के एंटीजन ब्लड टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट में डेंगू शुरू में ज़्यादा पॉजिटिव आता है, जबकि बाद में धीरे धीरे पॉजिटिव कम होने लगती है। यह टेस्ट करीब 1,000 से 1,500 रुपये में होता है। टेस्ट की रिपोर्ट 24 घंटे में आ जाती है। यदि यह वीडियो आपको थोड़ी भी लाभदायक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की रोजाना वीडियो पाने के लिए